चर्चा करें। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, क्या अंतरिक्ष में भी ध्वनि सुनाई देगी? कारण दें। तीसरा, बारिश के मौसम में बिजली कड़कड़ाने पर हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और कड़कड़ाने की ध्वनि कुछ क्षण बाद सुनाई देती है, क्यों? ध्वनि और माध्यम। अब तक हमने पढ़ा कि ध्वनि संचरण माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। सोचो, यदि माध्यम ही न हो तो क्या ध्वनि हम तक पहुँचेगी? यह जांचने के लिए ये प्रयोग किया गया। प्रयोग चित्र क्रमांक 6 में एक विद्युत घंटी और कांच का एक बेल जार लिया गया। घंटी को बेल जार में लटकाकर बेल जार को निर्वात पंप से जोड़ा गया। घंटी के स्विच को दबाने पर उसकी आवाज सुनाई दी। जब निर्वात पंप से बेल जार की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला गया, तब घंटी की ध्वनि धीमी पड़ने लगी। यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, जब बेल जार की समस्त वायु निकाल दी गई तो घंटी की ध्वनि बंद हो गई। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती, अर्थात ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती क्योंकि निर्वात में संपीड़न तथा विरलन के लिए कण उपस्थित नहीं होते। सोचें, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने पर क्या वहां अंतरिक्ष यात्री बात कर पाएंगे? कारण दीजिए।